नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट वेयर। मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र कुमार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। मृत्युंजय तिवारी जी, आज जिससे 18वीं लोकसभा संसद का शुरू हो चुका है, शपथ भी चल रहा है राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, क्या लग रहा है इस बार मजबूत विपक्ष है? अरे, इस बार जो अभी ज्वलंत मुद्दे हैं, लाखों लाख छात्रों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसका जवाब सरकार को देना होगा। परत दर परत सरकार का पोल खुलता जा रहा है। असली मुजरिम गुनाहगार कौन है उसको बचाने का प्रयास हो रहा है, छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है। एनटीए के डीजी पर कार्रवाई कर दी गई, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, जो पहले कह रहे थे कि लीक हुआ ही नहीं, अब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कह रहे हैं। तो भाई, ये एनटीए एग्जाम जो है जो ले रही है, ये एनटीए का मतलब हो गया है नो ट्रस्ट एजेंसी। इस पर कोई ट्रस्ट ही नहीं रहा, ये परीक्षा क्या खाक लेंगे 10 दिनों में? तो कई परीक्षाओं को रद्द किया गया, कई परीक्षाओं को स्थगित किया जा रहा है, हो क्या रहा है? शिक्षा के सवाल पर ये गंभीर सवाल है, इसका जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देना पड़ेगा। इस बार विपक्ष पूरा मजबूत है और छात्रों की आवाज़ सदन में गूंजेगी। सारे विपक्ष के सांसद इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करें। जिस तरह से नीट पेपर का लीक का मामला है, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, वो तो सीधे आपके तेजस्वी प्रसाद यादव पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप से श्री तेजस्वी यादव जी ने खुली चुनौती दे दी। आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता ने सारे तस्वीरों को दिखाकर स्पष्ट कर दिया, जवाब मांग रहे हैं कि असली गुनाहगार कौन है, उनका तस्वीर किसके किसके साथ है, सब तो हम लोग दिखा ही रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जी ने तो कहा, अगर कोई गुनाहगार है, कोई आरोपी है, उस पर राजनीति नहीं, उस पर आप कार्रवाई कीजिए ना। गुनाहगार है तो जेल में डालिए ना, किसने मना किया? सरकार आपकी है पटना से दिल्ली तक, ये नहीं चलेगा इधर उधर की बात। अब तो कटघरे में बिहार सरकार है, गुजरात, हरियाणा, ये सब तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। तो गुजरात और हरियाणा का क्या कनेक्शन है, पहले यहाँ ने बताना होगा गुजरात में सरकार किसकी है। जिस तरह से बिहार में सीबीआई टीम पर हमला हो जाना नवादा में, भाई ये कौन सा राज है बताएं? सत्ता में बैठे हुए लोग, अगर हम लोग सरकार में होते, आरजेडी होती, तो अभी हेडलाइन की खबरें बनती, पटना से दिल्ली तक हंगामा हो जाता, कौन कौन से राज्य की संज्ञा दी जाती। अभी क्या हो रहा है, ये कौन सा राज है? सीबीआई जांच टीम पर हमला, ये कौन सा राज कहलाएगा बताएं? सत्ता में बैठे हुए लोग, तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष लगातार कह रहे हैं कि अपराधी राज कायम है बिहार में, अपराधी बेलगाम है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, रोज हत्या लूट हो रहा है, शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह समाप्त है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। एक आखिरी सवाल लेंगे मृत्युंजय जी, जिस तरह से बीजेपी ने संजय जसवाल है सांसद है वो कह रहे हैं कि बीजेपी कंधा देने के लिए मृत व्यक्ति को 4 आदमी की जरूरत होती है, तो तेजस्वी यादव की पार्टी के 4 सांसद ही जीत कर लोकसभा में, अरे वही चारों विपक्ष का कंधा देंगे और वहाँ तक पहुँचा देंगे जहाँ तक वो कल्पना करने किए होंगे। अभी इंतजार तो कीजिए, 4 आदमी जो हमारे जीते हैं वो 4 ही काफ़ी हैं यहाँ से सरकार को कंधा देने के लिए। शाहबाद में जिस तरह से परिणाम आया, पाटली के गांव वहाँ समीक्षा बैठक कर रहे थे, वो है कि शाहबाद और पाटलिपुत्रा को लेकर मगध में कुछ सीटें पर कुशवाहा एक नहीं हो पाया। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की जो पीड़ा है, जो भड़ास है, वो समय पर निकलेगी, थोड़ा इंतजार कीजिए, जरा मौसम बदलने दीजिए। सावन में वो बताएंगे कि उनके साथ किसने साजिश और षड्यंत्र किया, उनको सब पता है। अभी कुछ इंतजार वो कर रहे हैं, उनके साथ कैसे उनको हराया गया, किस तरह से उनके साथ साजिश हुआ, तो हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने पहले ही कह दिया। उनके साथ तो क्या जो हुआ है वो तो उनको पता है, अभी देखिए अब वो क्या करते हैं, इस पर हम लोगों की कोई टिप्पणी नहीं हो सकती, उनको सब पता है। देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। तमाम सवालों का जवाब दिया, तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट वेयर से।
26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।